ऊपर से ये बारीक कटा हुआ आम, पिस्ताचियो और ऊपर से ये थोड़ा सा शहद, ये थोड़ी सी शक्कर को भी स्प्रिंकल करेंगे। ये हमारी मैंगो लस्सी रेडी है। और ये लस्सी टेस्टी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही ये इंस्टेंट यानी सिर्फ 5 मिनट में बनती है। तो गर्मी के ये मौसम में घर पे बनाए हुए गाढ़े दही से ये मैंगो लस्सी आप जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपने अश्विनी किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनी किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पके हुए आम मैंने लिए हैं, उनकी स्किन निकालकर उनको बड़े बड़े पीसेस में ही कट करके लिया है। अब इन सभी पीसेस को हम ये मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब इसमें 1/2 कप ठंडा दूध डाल देते हैं। अब मिक्सी में हम इनको ग्राइंड करके लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसा हमने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके लिया है। अब इसमें ये 3 चम्मच शक्कर डाल देते हैं। ये शक्कर का मेजरमेंट आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे ये 1 कप घर पे जमाया हुआ गाढ़ा दही मैंने लिया है। ये बाजार जैसा गाढ़ा दही घर पे कैसे जमाना है, इसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब ये दही को ये मिक्सी के जार में डाल देते हैं। यहाँ पे ये इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही इसमें डालिए। अब इसमें डाल देते हैं ये हनी यानी शहद। शहद आप जरूर डालिए क्योंकि इसका एकदम बढ़िया फ्लेवर ये मैंगो लस्सी में आता है। और फाइनली ये आइस क्यूब हम इसमें डाल देते हैं। अब इन सब चीजों को हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके लेते हैं। सब चीजों को हमने अच्छे से ग्राइंड करके लिया है। अब ये मैंगो लस्सी को हम इन ग्लासेस में सर्व करके लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर ये मैंगो लस्सी को आ गया है। ऊपर से ये बारीक कटा हुआ आम, पिस्ताचियो और ऊपर से ये थोड़ा सा शहद, ये थोड़ी सी शक्कर को भी स्प्रिंकल करेंगे। ये हमारी मैंगो लस्सी रेडी है। और ये लस्सी टेस्टी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही ये इंस्टेंट यानी सिर्फ 5 मिनट में बनती है। तो गर्मी के ये मौसम में घर पे बनाए हुए गाढ़े दही से ये मैंगो लस्सी आप जरूर बनाकर देखिए।